टूर्नामेंट की फाइनल टीम साइकिल पर आ चुकी है और जिसमें क्षेत्र अमरदीप जो कि आपके नजदीक के जिले बागड़ी का खिलाड़ी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत ही अच्छी टीम और सागरपुर की टीम के दोनों कॉर्नर की बात करते दोनों के दोनों प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं। चार नंबर जर्सी का खिलाड़ी सुन आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। और भाई एक टीम फाइनल की हमारे पास आ चुकी है और भाई राजा जो की उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है माननीय चंद्र जी, एक बार जिनका एक बार मैदान में आए प्लीज। एसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल है, बहुत ही अच्छा कबड्डी प्रेमी है, कबड्डी के बड़े बड़े टूर्नामेंटों को लाइव करता है राजा हिंदुस्तानी। और भाई कल से यहाँ पर बिल्कुल अपनी सेवा दे रहे हैं, भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई के चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें एसी स्पोर्ट्स, और 4x4 यूट्यूब चैनल है जिसके ऑनर जसप्रीत सिंह हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे बीच में है। देखिए कमेटी का फैसला अन्य होगा, कमेटी से ऊपर कुछ ऑफिसर के बारे में बता दूं, 1-28 से आप इन्हें मान्यता प्राप्त ऑफिसर कह सकते हैं, सीनियर नेशनल जो चर्खी का बिल्कुल सुन चुका हूँ कि इनका बेस्ट ऑफिसर में के साथ स्वागत हुआ है। 5.5 फीट कट के साथ, चांदी के सिक्के के साथ, अनेक प्रकार रुपए पैसे के साथ इनका सचिन प्रकार ग्राउंड में आया बच्चा। अगर मैं रिक्वेस्ट ले तो पता नहीं क्या लड़ा दें। हमारे बीच में विराजमान भाई अजीत सिंह जी सीआरपीएफ से, यादराम जी, दलीप सरपंच साहब और हमारी कमेटी के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ से बच्चों को आशीर्वाद दे। कृष्ण की टीम है, एक से बढ़कर एक सुपर स्टार खिलाड़ी इस टीम में है हरियाणा प्रदेश के, और भाई अजीत सिंह जी, यादराम जी सर ये हमारे ऑफिसर हैं, विक्रम देवी साहब ये उनका अनुभव है कि ये दोनों के दोनों ऑफिसर हमारे सीनियर नेशनल लेवल की ड्यूटी पर रह चुके हैं। यादराम जी मेरे हाथ सुन रहे हैं तो वो इधर ग्राउंड पर आए, अजय भाई साहब आओ ना। और अब भाई सागरपुर के नाम से खेल रहे भैंसवाड़ के खिलाड़ी उनके साथ हुए परिचय करते हुए, और मैं अजीत भाई साहब बता दूं आपको कि दोनों के दोनों जो कॉर्नर है ये पूरे का अंकित और सुमित, हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति साइंस आपको देखने की इच्छा है। सागरपुर की टीम ने अपनी तरफ से दिए हैं, टीम के लिए कोई रिव्यू सिस्टम नहीं, ये सिर्फ लाइन चलते ना कि साइंस के यंत्र बड़ी बांध कर तैयार है लक्ष्य पैसा। संकेत मिलते ही चल रहा साथियों पैसवाड़ की तरफ से इस समय लक्ष्य मैं लक्ष्य ने पूरे डिफेंस को चेक किया और अगर साथ में मन है तो टाइम बजाओ, एक बार मनु ने पिछले मैच की लास्ट में दिखाकर बिल्कुल दर्शकों का मन जीता था, और लीग के साथ में बिल्कुल चैन की गिरफ्त में आ चुका है। चैन लगाइए सुमित और सागर ने दोनों के दोनों गांव भैसवा जिला सोनीपत हरियाणा प्रदेश के हैं। अब रेड पर चला अमन अमर जी 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी, कबड्डी के फाइनल मैच के बाद करवाई जाएगी जी। अब तक दर्शकों से निवेदन है कि कबड्डी के मैच का आनंद ले और पूरा लुत्फ उठाए दीपी साहब, और भाई रनिंग कॉमेंट में आप लोग ध्यान से देखें, आज लीग के साथ में बनकर 20 मार लाइन पकड़ी है, मैं उन्होंने अनेकों काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर। और आपके पास सागर, सागर पर टीम का खिलाड़ी सागर इस समय रेड करता हुआ, सागर अपनी गहराई दिखाता हुआ
सागर गांव भैंसवाल सागर की टीम का हिस्सा और बिल्कुल अब एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक आपके अपने जिले की बात करें तो बड़े बड़े टूर्नामेंटों में तीसरा स्थान ले चुकी है। ये काबिलियत है। देखिए फाइनल मैच है, एक खिलाड़ी टीम को लीड करे की तरफ से और लक्ष्य लक्ष्य भैंसवाला ग्रेड का अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। 15 का ये फाइनल मैच अच्छा मुकाबला दीजिए साथी बिल्कुल रोहित और विराज के चयन में शिकार हुआ लक्ष्य बराबर पर मानो चार खिलाड़ियों का डिफेंस मानो इस रेड पर सागर पर विराज से चार खिलाड़ियों का डिफेंस मानो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रेड करता है स्पीड और चौदह के सामने चंद किया था उड़ान हरी भी लेकिन लैंडिंग बिल्कुल खराब हुई दिशा भटक चुके थे और अब रेड पर सागर आठ नंबर जैसे का खिलाड़ी नाम सागर गांव भैंसवाल जिला सोनीपत बिल्कुल छह खिलाड़ियों को डिफेंस में रेड करता हुआ लगातार किक का प्रयास अच्छा खिलाड़ी है लेकिन साथ में कल समझी है दो पॉइंट अर्जित कर चुका है सागर और अब रेड पर पांच नंबर जर्सी का खिलाड़ी नाम रवि गांव नांदेड़ जिला रोहतक अच्छा खिलाड़ी है बिल्कुल जानदार शानदार खिलाड़ी लगातार अब तक के मैचों की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है रवि की आज के इस टूर्नामेंट की बात करें तो सात खिलाड़ियों को डिफेंस में और सामने भैंसवाल सागरपुर का डिफेंस जिसमें भैंसवाल के खिलाड़ी खेल रहे हैं और भैंसवाल के खिलाड़ियों का डिफेंस बहुत ही मजबूत माना जाता है जब से सुनील और कांग्रेस की जोड़ी ने चैप्टर कमेटी के मैच अन्य किसी टूर्नामेंट के मैच हो बड़े बड़े रैपरों को चैन टैकल किया है और सागरपुर की टीम के जो दोनों कॉर्नर है पिछले साल आपने देखा वो गुजरात की टीम का हिस्सा थे और अब रेड पर रवि नांदर रेड करता हुआ अच्छा रेडर है बिल्कुल अच्छे मूवमेंट के साथ और नीचे साथ में बिल्कुल बेहतरीन चयन ये खूबसूरती है भैंसवाल के चयन की सागरपुर की टीम शुरुआत में आगे चलती हुई अब रेड पर सागर सागरपुर की टीम का रेडर सागर इस समय रेड पर अच्छी रेड करता है सागर रोहित मनु और विराज तीन खिलाड़ी इस समय ग्राउंड पर मौजूद अब रेड पर रोहित रोहित नांदल इस समय रेड पर बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है रेड सुपर टैकल ऑन बहुत ही अच्छा मैच और फाइनल मैच आप बिल्कुल शांति से इस मैच को देखें एक से बढ़कर एक फाइट होगी इस मैच में क्योंकि 15-5 का मैच और 30 सेकंड का समय किसी का इंतजार नहीं करता साथ ही कबड्डी सुपर टैकल टू पॉइंट मेडिकल टाइम आउट एमडीओ चार और भी अच्छी टेक्निक और अच्छी स्किल के साथ रेडी देखिए बहुत ही अच्छी टेक्निक से पॉइंट हासिल किया है मोनू ने जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं
कि भारत के पहले अर्जुन अवार्डी राजा रत्न जो कि 1994 का अर्जुन अवार्ड मिला था केरल से, उसी प्रकार से रोड करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने टेक्निकल लगाता हूँ। और मैं फिर मोनो रेड पर पिछले रेड का तानिया बोल्डर अच्छे अटैक और अच्छी मूवमेंट के साथ आज बिल्कुल जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। और भाई दोनों के दोनों ट्रॉफी बिल्कुल ग्राउंड पर स्कोर टेबल पर सजा दी गई है। और अब सागर रेड पर सागर बिल्कुल आज अच्छी रेड का प्रयास कर रहा है, लेकिन सामने टीम का डिफेंस आशीष विराज और रोहित और भाई अमरदीप इस समय रेड पर इस टूर्नामेंट को जो कल से हमारे टूथ के साथी हैं, चाहे जसप्रीत स्पोर्ट 4x4 की बात हो, चाहे देसी स्पोर्ट राजा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, बड़ा अच्छा कार्य किया है दोनों ही हमारे साथियों ने, अच्छा मुकाबला चलता है दोनों टीमों के बीच में। आप बिल्कुल प्रदर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन की शांति से मैच का आनंद ले रहे हो। के साथ सागरपुर की टीम आगे चलती हुई अंतिम खिलाड़ी रोहित नांदा इस समय शेष, लेकिन अकेला खिलाड़ी है, जिस तरह अकेला समय भाग नहीं खेल सकता उसी प्रकार अकेला खिलाड़ी कैसे नहीं बना सकता है। इस समय चल कबड्डी में बहुत मुश्किल होता है, प्रो कबड्डी में आपने देखा होगा सिर्फ रिंकू शर्मा ने ही कैच बनाई थी। अब सागर रेड पर लक्ष्य के बाहर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सागर के कंधों पर आ चुकी है और आज आहार क्या बात साथ में ये है विराज एक बेहतरीन कवर रोहतक जिले का हरियाणा प्रदेश का। और अब रेड पर मनु एमडीओ की टीम का खिलाड़ी मनु इस समय रेड करता हुआ एक जूनियर लेवल का खिलाड़ी है और बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुका है। सागरपुर रवि रेड पर यदि अब किसी खिलाड़ी से उम्मीद बची है
तो मोनू और रवि दो रेडर हैं जो किसी भी डिफेंस में स्कोर कर सकते हैं। बैसोल का डिफेंस सागरपुर का स्कोर 15 और अंदरों का स्कोर 9 15 में 6 पॉइंट जरूरी के साथ और मुझे साथियों सागरपुर का सागर फिर हुआ कामयाब। 16 रनों का स्कोर। अब योगेश रेड पर योगेश उर्फ तंतु इस समय रेड करता हुआ एमडीओ की तरफ से डिसाइडेड करो अमरों की स्थिति इस समय योगेश के पास क्योंकि आप वापस नहीं आ सकते। सही है भाई, बहुत ही अच्छा डिसीजन। कंटिन्यू दो खिलाड़ियों को आउट किया योगेश और आसिफ दोनों शिकार हो गए। ऑफ रेड पर रवि नांदल ब्रेंड पर एक अच्छा खिलाड़ी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल ले चुका है बिल्कुल मोनू द्वारा पावरफुल डैश ताकतवर डैश किया मोनू ने खिलाड़ी को बाहर धकेल दिया। रेड पर साथियों काफी समय बाद मोनू आ चुका है अच्छा प्रयास करता अच्छी कोशिश करता है खिलाड़ी और नीचे साथियों आते ही पॉइंट अर्जित कर दिया। अब मैदान के चारों तरफ जितने भी दर्शक हैं सब अंदाजा लगा रहे हैं कि अब मैच में यदि कुछ उल्ट फेर हुआ तो मैंने उल्ट फेर कर सकता है। अब सागर रेड पर पांच के डिफेंस में 13-18 इंच हो सागरपुर15-18 का स्कोर मैंने आते ही रेड को कम किया है। मात्र पर 3 पॉइंट की लीड बची हुई है सागरपुर की। हार जीत किसी के भी मैच में बिल्कुल आनंद आएगा। 25-15 मिनट में आपको बिल्कुल बढ़िया मैच देखने को मिलेगा जिस प्रकार से मैंने लगातार संघर्ष कर रहा है। 15 पॉइंट एनबीओ रोहतक और 18 पॉइंट सागरपुर। और वे बहुत ही अच्छे हमारे ऑफिशियल साथी विक्रम बेटी साहब नशे परिषद और एमडीओ की तरफ से बहुत बहुत ताली बजाए देखे
इतनी रात्रि में खिलाड़ी किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक बार जोरदार सभी मिलकर पापा का जयकारा लगाएंगे। एक बार वहां चार भी रुपए कर दी महाराज की, एक बार फिर लगा भाई, एक बार वहां चार भी रुपए कर दी महाराज की। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सब दर्शकों का कि जिस दौर में कोई किसी की मेहमानता पा देते की मेहमानता आप कम से कम मेरे को मान रहे हो। और भाई गलती हुई मोमू से जो सबसे बेहतरीन प्लेयर था साबित हो रहा था अंग्रेज की तरफ से, उसी से गलती हुई और उसने एक पॉइंट गिफ्ट कर दिया सुमित को। और अब योगेश रेड कर योगेश एक पत्ती हिस्से में रेड करता हुआ सुमित को एक पक्ष नंबर जर्सी के खिलाड़ी को। और सुमित पहले ही कह रहा था, सुमित का अनुमान था कि वो मेरे पक्ष लगाएगा, पूरा अनुमान था। वो पहले ही अंकित को कह रहा था कि बर्जा पंडित जी यानी कि खतरा भाग चुका था। और अब अमरदीप रेड पर अमरजीत इससे मेरे लिए करता हुआ पांच नंबर जर्सी का खिलाड़ी मोनू। और भाई एक और काउंटर जीत के मोनू ने बिल्कुल स्पीड से चेस्ट पर टच किया है। अमरजीत इससे मैं करता हुआ सात के डिफेंस में रोहित और विराज चार और दस नंबर जर्सी के खिलाड़ी। और अब रेड पर मोनू क्या बात है साथ ही अच्छा प्रयास किया था मोनू ने, लेकिन डिफेंस बिल्कुल समय था, प्रेस लैंडिंग हुई और पॉइंट मिला सागरपुर की टीम को। अब सागर रेड पर सागर इस समय रेड पर सागर गांव रुदाऊ जिला सोनी का बैसवाल में कबड्डी का अभ्यास करता है। भूपेंद्र मलिक वहां पे पैसा ग्राउंड चलाते हैं, उनके ये टीचर है और आज सागरपुर की टीम का हिस्सा बना बाबा जहांगीर के इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए। और रेड पर रवि रवि रेड करता हुआ अमरजीत और सुमित अमरजीत और सुमित ने काफी मजबूत चैन लगाई और एक भारी भरकम खिलाड़ी रवि ने अंदर बॉल किया डिसाइड ओवर एक बार स्कोर 24-18 का स्कोर इन फेवर ऑफ सागरपुर। बंदी के साथ में फिर स्कोर परवट ले चुका है 20-24 का स्कोर 20 पॉइंट एमडीयू 24 पॉइंट सागरपुर। अब योगेश पैतीस से मेरे लिए टच पॉइंट 21-24 का स्कोर 21-24 का स्कोर। और भाई हमारे सिकोर साथी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई सूरज दानी हर्षुक से, भाई योगेश ताजपुर से,
ये भी साथी सुबह से लगातार ऑफिशियल बेंच पर विराजमान है और अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे खेल प्रेमी है और ऐसे फिजिकल टीचर भी स्कूल में जॉब करते हैं, भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों का। अमरजीत इस समय रेड बॉल 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी और लीजिए साथियों बिल्कुल 80 द्वारा बेहतरीन कैच एंकल ऑन कर लिया गया और अब 4 के डिफेंस में 1 नंबर जर्सी है यहाँ भी 1 नंबर जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी मोनू बहुत ही अच्छा प्रयास और कोशिश करता है अच्छी स्पीड के साथ रेड कर बॉडी से टिंकू भाई है भाई वो बाबा के मंदिर में चले जाएं उनके साथी वहां का इंतजार कर रहे हैं टिंकू बॉडी से बाबा के मंदिर में चले जाएं गया भाई साहब और भाई मोनू लगातार संघर्ष कर रहे हैं पर मोनू को ये ताली बजाओ इस तरह से आप पूरे मैच देख रहे हो अकेला खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहा है मोनू एमडी की टीम को अपने अपनी टीम को जिताने का सभी प्रयास करता है लेकिन मोनू भी अच्छा प्रयास कर रहा है और भाई आपको ले चलता है स्कोर की दुनिया में 23-24 का स्कोर ताली बजा दो एक बार स्कोर रतन सिंह नंबरदार गुजरवास से मोनू को 500 रूपये देता है ताली बजा दो रतन सिंह नंबरदार के लिए मोनू 500 रूपये मेरे पास रहे मैं समाप्ति के बाद दे रहे हैं 500 रूपये मोनू को रतन सिंह नंबरदार गुजरवास की तरफ से और मोनू ने वाकई खेल भी दिखाया है इस लेवल का 23-24 का स्कोर है कब कौन सी टीम जीत जाए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता और वहीं पर गलती हुई आशीष से पॉइंट मिला सागर भूमि टीम को फिर रेड पर मोनू एक युवा है जूनियर लेवल का रेडर है जरूर निश्चित आपको तरह कबड्डी जैसे बड़े टूर्नामेंट में मिलेगा ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन स्केल है इस स्केल के बारे में पहले भी कई बार अनाउंस कर चुके हैं भाई सत्ता और पहलवान तो सभी है उनको मस्ती पहलवान जी 5 किलो घी तो रहे वो संपर्क कर लो एक बार और स्कोर लेवल हो चुका है साथियों कैच लग रहा मुश्किल महंगा मुमकिन है जिसके हिसाब से मोनू खेल रहा है तो वो है मोनू और 29-25 का स्कोर एमडीओ की टीम आगे निकल चुकी है बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्रयास मोनू ने लगातार कोशिश की मोनू ने संघर्ष किया और उसी का परिणाम है मोनू को ईश्वर नांगा गांव से 50 रूपये दे रहे हैं भाई ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छे खिलाड़ी को मान सम्मान कर रहे हैं और रेड पर रवि नांगा इस समय रेड पर 500 रूपये रतन सिंह नंबरदार जी ने 50 रूपये भाई ईश्वर जी ने मोनू को हौसल अफजाई के लिए दिया है कि भाई एक समय तो लग रहा था कि सागरपुर की टीम वन साइड जीतेगी लेकिन मोनू ने जब भी मोनू आउट होकर बाहर जाता वो अपनी टीम को सिर्फ एक चीज करेगा आप मेरे को अंदर लेके आओ और वही वन पॉइंट बिल्कुल लाइन पे है अच्छा मैच चलता हुआ बिल्कुल बराबरी का मैच है और डीजे साथ को सुमित द्वारा एंकर है पॉइंट मिला शंकरपुर को बोनस मिला एमडीओ को नो लॉस नो प्रॉफिट स्कोर इन फेवर ऑफ एमडीओ सागरपुर का स्कोर 27 एमडीओ का स्कोर 31 28-31 का स्कोर 28-31 का स्कोर मोनू फिर रेड पर एक
जूनियर लेवल का बच्चा है, ताली बजा दो इस खिलाड़ी के लिए, अपनी टीम को बिल्कुल आगे ले गया ये, एक समय तक नजर आ गया अच्छा मैच। और भाई बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं हमारे विक्रम अजय डीपी साहब, अच्छी अपने समय के अच्छे प्लेयर और आज के बहुत ही अच्छे ऑफिसरों में से एक, आज भी के साथ एक और पॉइंटर जीत किया। टाइम आउट एंड्रू सपोर्ट। एमडीयू का स्कोर 31 सागरपुर का 29, वो बिल्कुल बैक रेड मार दिया भाई, 29 और 31 29 और 31 दो पॉइंट की लीड एमडीयू। नंबर की टीम के 31 पॉइंट और सागर की टीम के 29 पॉइंट, फिर मैंने रेड कर अच्छे प्रयास अच्छी कोशिश करता हुआ आउट नहीं हुआ था, लेकिन वो बनने का एहसास हुआ कि जो आउट हो चुका है इसलिए बन को देख रहा था, लेकिन उसका फायदा उठाया डिफेंस ने। 30-31 का स्कोर, 30-31 का स्कोर। और एक और पॉइंटर जीत लिया, बिल्कुल स्कोर डबल हो चुका है। आखिरी 4 मिनट शेष, 31-31 कमेटी का स्कोर शामिल होगा। टाइम बजे यदि मैच में आने जा रहा है तो आपको कभी कमेटी का भी एहसास है कि हमें हमने टूर्नामेंट कराई और दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन किया उस चीज का। कल हमारे कमेटी के साथी कह रहे थे कि कोई मैच बताने मत आएगा कि नहीं टीम आएगी कि नहीं, बड़े परेशान चल रहे थे और हमें बता रहे थे कि जो भी टीम आएगी बड़ी बेहतरीन है। और आपने देखा पूरे कमेटी के सुपर स्टार खिलाड़ियों को हरा कर जो मकरणी अपने अगले राउंड में पहुंची थी वो भी हार चुकी है। और अब सागर रोड पर वन पॉइंट सागरपुर, और अब रोड पर रवि रवि गांव नांदेड़ जिला रोहतक, काफी अनुभवी और सीनियर प्लेयर है, अंतिम खिलाड़ी इस समय शेष है। आखिरी 3 मिनट शेष, बिल्कुल छत्तीस का स्कोर। अब अमरजीत इस समय रेड पर, आखिरी 1 मिनट शेष, 2 मिनट शेष, और मुझे साथ में फिर मैच में रोमांच पैदा हो चुका है। और भीतर 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 होता है नींद उतर, चलो 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 टाइम नीचे के लिए कर लिया, टाइम मैच समाप्त हो चुके हैं। लकी साहब 1.5 मिनट का समय बाकी है,
भाई अब कर रहे हैं हमारे पास साढ़े दो की टीम है और वो 550 रुपए मांगू के हमारे पास है और डेढ़ मिनट का समय साथियों दो पॉइंट के लिए मैच में भी देखने लायक बन चुका है। कमजोर दिल के दर्शक थोड़ा मैदान से बाहर जा सकते हैं, कल कमजोर दिल के दर्शक थोड़ा ग्राउंड से दूर जा सकते हैं। मैच बहुत हाई वोल्टेज है, कितने बहुत ही अच्छी खेल सकती हूँ अभी 100 रूपये बदली भोरी सागरपुर की टीम को देते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद बदलू होगा जिन्होंने आखिरी एक मैच शेष और 3 पॉइंट के लिए सागरपुर की 3 पॉइंट से सागरपुर की टीम आगे। सागरपुर की टीम को पूरा अनुमान है यदि सागर की टीम रोक लेती है सागर एमडीओ की टीम तो मैच का कुछ अलग परिणाम होगा। संदीप पंच की तरफ से 100 रूपये और आ चुके हैं भाई सागरपुर की टीम के। चल गई बिल्कुल भी होगा इसका अनुराम अमरजीत और खिलाड़ी बारह से टाइम रोक में भेज और मात्र औपचारिकता भाई इस मैच में शेष और भाई दोनों टीमों को ₹21,000 की दर्शक कब्जा करके बैठे हैं ग्राउंड में ही यहाँ पे प्लीज कब्जा करके ₹21,000 की मोनो आखिरी कुश्ती ₹21,000 की यही चलाई जाएगी। ₹500 दर्शक कब्जा करके यही बैठे रहे आखिरी फाइनल कुश्ती हो रही है अभी फाइनल कुश्ती के पहलवान आ गए ₹21,000 की कुश्ती के पहलवान और भाई जो हमारे यूट्यूब आए भाई दिखा रहे थे इसी स्पोर्ट इसको भाई लाइक करें इसको कमेंट करें सब्सक्राइब करें इनकी हेल्प करें और स्पोर्ट्स फॉर भाई फिर से भी भाई है।